इंडिया आज तक आपकी आवाज। झांसी, आज झांसी स्थित सर्किट हाउस में श्री गंगाराम घोसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों के आयोग के सदस्य जी का स्वागत किया गया। उन्होंने सभा में कहा कि मैं ऐसा करके जाऊंगा, वे दिन में ना सो पाएंगे ना रात में सो पाएंगे जब तक आपका काम नहीं करेंगे। और कहा है मेरी इस कार्यशैली क्या है, मीटिंग में कमीशन के सामने पता चल जाएगी। मैं बोलता कहीं काम ज्यादा कराता हूँ और मेरे कहने पर जो काम नहीं करता वे पद पर नहीं रह पाएगा। सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों की समस्या रक्षा मंत्री के सामने रखेंगे। जीओसी इन चीफ के माध्यम से 85 लोगों का ठेका हो गया, 8 ठेकेदार का ठेका हो गया, नए लोग लग गए। हम नए लोगों का विरोध नहीं कर रहे कि वो लग गए, अच्छा है, रोजगार मिलना चाहिए। हमारे समाज से हैं या सफाई कर्मचारी हैं उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार की जरूरत है। लेकिन जो हमने इन लोगों की लड़ाई लड़ी थी, जो ये 200 कर्मचारियों की हमने लड़ाई लड़ी थी सफाई कर्मचारियों की, और इनकी वजह से जो वैकेंसी आई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वैकेंसी दी और जीएससी इन चीफ के माध्यम से जो वैकेंसी मिली और 85 लोगों का कैंट में ठेका हुआ, लेकिन ये लोग नहीं लिए गए। इसमें से एक भी ऐसा कर्मचारी जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसमें के जितेंद्र भाई हैं जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी और इनके लेटर चले, इन्हीं के हस्ताक्षर से पूरी लड़ाई लड़ी गई और इनके साथ सारे सफाई कर्मचारी खड़े रहे बराबर, कंधे से कंधा मिलाकर, आज ये खुद नहीं लिए गए। आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि ये लड़ाई कहाँ है। हमें इन लोगों को रोजगार दिलाना है और कल क्या कहते हैं राष्ट्रीय सफाई आयोग के सदस्य श्री गंगाराम घोसले जी आ रहे हैं, तो हम उनके सामने इनकी समस्या रखेंगे और हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये वो मजबूर और गरीब लाचार लोग हैं जिनके चूल्हे नहीं जल पा रहे, जिनके बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही, जिनके बुजुर्ग माँ बाप हैं जो दवाई के अभाव में जी रहे हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं, किराए के मकान में रह रहे हैं, ये बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या है कि ये सफाई का कार्य है, देखा जाए तो ये पहले सरकारी हुआ करता था, आज ठेकेदारी में है, इधर उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, उत्पीड़न और शोषण भी हो रहा है और ठेकेदारी पे हो काम भी नहीं दिया जा रहा इनको। तो हम कल गंगाराम घोसले जी माननीय मंत्री जी से हम बात करेंगे कि इनको रोजगार दिलाने का प्रबंध करें।